हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूरियस। अब मेरा नाम है पल्लवी और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं टर्म टू का एक और चैप्टर, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, विच इज रिटन बाय एन अमेरिकन पोएट ऑगडेन नेस। बेसिकली टेल मतलब होता है स्टोरी, और इस पोएम में मैं आपको बता दूं कि ये पोएम एक बैलेट के फॉर्म में लिखा गया है, और बैलेट बेसिकली होता है एक सॉन्ग, एक स्टोरी जो कि एक सॉन्ग या पोएम के रूप में लिखा जाता है। तो ये एक पोएम है जो कि एक लिटिल गर्ल के बारे में, बेलिंडा, जिसका नाम बेलिंडा है। वो अपने 3-4 पेट के साथ रहती है एक व्हाइट हाउस में, और वहाँ पे एक कुछ होता है, आप देखिएगा। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियली और ट्रूली अ लिटिल पेट ड्रैगन। एक छोटी सी लड़की है बेलिंडा, जो कि अपने व्हाइट हाउस में, छोटे से व्हाइट हाउस में एक ब्लैक किटन के साथ रहती है, साथ में उसके साथ एक ग्रे माउस भी रहता है, और एक येलो डॉग और एक रेड वैगन। बेसिकली रेड वैगन मतलब यहाँ पे एक छोटी सी गाड़ी होती है जो कि एक टॉय टाइप का होता है। एंड अ रियली और ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन, यहाँ पे रियली और ट्रूली बस राइमिंग के लिए लिखा गया है, इसका मतलब बस रियली होता है और इसका ट्रूली। तो आगे के पैराग्राफ में देखते हैं, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस ही कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज एज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वॉज कवर्ड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। उसकी जो ब्लैक किटन था उसका नाम इंक था, और जो ग्रे माउस था उसको वो ब्लिंक करके पुकारती थी, यानी कि उसका नाम ब्लिंक था, और जो उसका येलो डॉग था वो मस्टर्ड की तरह साफ था इसलिए उसको मस्टर्ड कहा जाता था, बट जो उसका ड्रैगन जो उसके साथ रहता था वो कावर्ड था और वो उसको कस्टर्ड कहके बुलाती थी। चलिए तो हम लोग अपना थर्ड पैरा डिस्कस करते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर अ नोज एंड रियली और ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टोज। यहाँ पे स्पाइक्स मतलब होता है शार्प पॉइंटेड सरफेस, अंडरनीथ बिलो, डैगर्स मीन्स होता है नाइफ, टोज मतलब तो हम लोग जानते ही हैं। कस्टर्ड जो ड्रैगन का नाम था उसके जो दांत थे वो बहुत बड़े और शार्प यानी नुकीले थे, और उसके टॉप पे उसका टॉप वो एक पॉइंट सरफेस से बना हुआ था जो कि बहुत नुकीला था, और उसके गर्दन के नीचे जो स्किन था वो फिश के जैसा था। यहाँ पे स्केल्स मतलब होता है स्किन एज सेम एज फिश, उसके गर्दन के नीचे का सरफेस जो था वो एक फिश जैसा रहता है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी चिमनी फॉर अ नोज, उसका जो माउथ था उसका जो मुंह था वो एक भट्टी के जैसा जहाँ पे आग लगाया जाता है उसके जैसा था, और चिमनी फॉर अ नोज यानी कि उसका जो नाक था वो चिमनी के जैसा था। एंड रियली और ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसका जो टोज था उसमें एक नाइफ के जैसा शार्प नुकीला डैगर्स रहता था। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लायंस डाउन द स्टेयर्स, मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर्स इन अ रेस बट कस्टर्ड क्राइड फॉर नाइस सेफ केस। और जो लड़की बेलिंडा थी वो उतनी ब्रेव थी कि वो किसी से नहीं डरती थी। यहाँ पे एज ब्रेव बैरल फुल ऑफ बियर्स मतलब होता है द पर्सन हु डू नॉट गेट अफ्रेड ऑफ एनी वन एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्टेयर्स, और इंक एंड ब्लिंक जो पेट थे उसके वो कहते थे कि अगर लायन भी मेरे सामने आएगा तो मैं उसके भी पीछे जाऊंगा और उसे भी भगा दूंगा, और मस्टर्ड जो उसका डॉग था वो बोलता था वो उतना ब्रेव है जितना कि एक टाइगर ब्रेव होता है, बट हमारा जो कस्टर्ड था वो फिर भी अभी भी रोते रहता है कि मुझे एक सेफ घर दे दो जहाँ पे मैं रह सकूँ, और वो हमेशा रोते ही रहता था। चलिए तो हम लोग फिफ्थ पैरा डिस्कस करते हैं।
Belinda tickled him unmerciful. Ink, blink and mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Riolio Trulio Crowdly Dagon. यहाँ पे tickled मतलब होता है to make fun of. Unmerciful होता है in an unkind way. Rudely, impolite. और पर्सिवल बेसिकली यहाँ पे एक कैरेक्टर होता है, कॉवर्ड कैरेक्टर, एक डरपोक कैरेक्टर जिससे उसका कंपेयर किया गया है. बेलिंडा उसका हमेशा मजाक उड़ाती थी एक अनकाइंड वे में, बिना कोई तरस किए हुए उस पर हमेशा मजाक उड़ाया करती थी और उस पर हंसा करती थी. और ये जो ब्लिंक और मस्टर्ड थे वो उसको पर्सिवल कह के मजाक उड़ाया करते थे. वो लोग एक साथ अपने रेड वैगन, एक छोटे से रेड वैगन में जिसके बारे में बताया था हमने, जो छोटे से रेड वैगन में बैठ कर उसका मजाक उड़ाया करते थे कि तुम एक कॉवर्ड ड्रैगन हो, क्या एक डरपोक ड्रैगन हो. और रियली एंड ट्रूली मतलब तो आप जानते हैं, रियली एंड ट्रूली. ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.